कैश Xiaomi HyperOS 2.0 के काफी सारे ऐसे फीचर्स, ऐसे टूल्स यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं जो कि आप अपने Redmi, Xiaomi और Poco के किसी भी डिवाइस के अंदर इंडिया में एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल के फीचर्स, नेक्स्ट लेवल के ऑप्टिमाइजेशन और नेक्स्ट लेवल के आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 5 HyperOS 2.0 के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद वो सारे फीचर्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फीचर की बात करूं जो कि HyperOS 2.0 का काफी डिमांडेबल फीचर है और काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने अपने फोन के अंदर Xiaomi का जो MI AI स्टाइल है ये इंस्टॉल करा और ये मैं बहुत एक मिड रेंज डिवाइस में यूज कर रहा हूँ। आप देखोगे Redmi 13 5G है, फिर भी ये फीचर मेरे फोन में यहाँ पर वर्किंग में है और ये टोटली AI का फीचर है। तो इस पे अगर मैं टैप करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो हालांकि ये अभी टेस्टिंग में है, चाइनीज लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी ये फीचर यहाँ पर आ चुका है जिसमें आपको वॉइस कमांड वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं और भी काफी सारे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं इस तरीके से यहाँ पर ये आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करने के लिए मिलती है। उसके अंदर आपको और भी काफी सारे ये जो यहाँ पर नए मतलब वॉइसेज हैं वो मिल जाती है, जिसमें आपको रोबोट वाले वॉइसेज हैं, AI वाले वॉइसेज हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मिलता है। और डायरेक्टली जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इसका एक यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो भी आ जाता है जो कि आप देखोगे MI AI के नाम से यहाँ पर आ जाता है। इसमें आपको यहाँ पर जो एप्पल का सीरी है उस टाइप से ये फीचर यहाँ पर मिलता है। आप देखोगे यहाँ पर ये जो बबल है वो आ रहा है कलरफुल, तो ये आप इसमें सेटअप वगैरह कर लोगे तो यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे वो चीज आपको कुछ इसी टाइप से यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको बबल बेब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एग्जैक्टली ये फीचर बहुत जबरदस्त है और ये आप अपने Redmi Xiaomi Poco के किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। देखो भाई मैं पहले आपको सारे फीचर्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से APK को इंस्टॉल करके ये सारे फीचर्स आपको इनेबल यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर गेम टर्बो का एक काफी बड़ा अपडेट आया हुआ है HyperOS 2.0 वाला। तो सिक्योरिटी ऐप में अगर आप जाओगे और यहाँ पर गेम टर्बो में जाओगे तो इस डिवाइस में 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये रिफ्रेश रेट जो है वो इसी डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें आप अगर चाहो तो 120Hz का जो फ्रेम रेट है वो भी यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये वाला जो APK है HyperOS 2.0 वाला ये इंस्टॉल कर लोगे तो आपको यहाँ पर अप टू 120fps का जो फ्रेम रेट सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि PUBG खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो या फिर इसके साथ आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो या फिर कोई भी गेम आप यहाँ पर प्ले करते हो तो आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से फ्रेम रेट जो है वो 120fps तक का सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन का भी फीचर मिल जाएगा। तो ये चीज काफी अच्छी है। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट पे सेट रहता है, तो आपको क्या करना हो पावर सेवर है, बैलेंस है, हाई क्वालिटी, लेकिन आपको कस्टम पे सिलेक्ट करना है, जिसमें अगर आप ये चीजें कस्टम कर लोगे तो यहाँ पर आपको 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा, मतलब जो FPS है वो आपको फ्रेम रेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो भाई यहाँ पर HyperOS 2.0 का जो कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर कॉल रिकॉर्डर है या फिर रिकॉर्डर है वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको AI का सपोर्ट मिल जाता है, जितना भी फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस होगा उस तरीके से उतने ही ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने इंस्टॉल किया है तो मैं इसको अगर एक्टिवेट करूंगा, इसका पहले तो आप इसका लोगो देख लो, टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है क्योंकि HyperOS 2.0 वाला है और इसके अंदर आपको AI का भी टूल मिल रहा है। जैसे कि इस पर मैं टैप करूं तो डायरेक्टली ऊपर आप देखोगे साइलेंट मोड इज ऑन, मतलब बाहर की कोई भी नॉइज को ये नहीं लेगा, मतलब दूर की जो नॉइज आती है उसको ये नॉइज को कैंसलेशन भी करता है और उसके साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करता है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे साइलेंट मोड इज ऑफ। तो ये AI वाला टूल है जो कि आपको इस अपडेट में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके पास Redmi Note 13 Pro या फिर उसके साथ कोई फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है तो उसमें यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह भी लिखता है, टेक्स्ट राइटिंग भी आती है, जैसे आप जो बोलते जाओगे यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पर लिखता भी जाता है। लेकिन जो मिड रेंज के डिवाइस है उसमें टेक्स्ट वाला फीचर नहीं आता है, लेकिन ये वाला जो फीचर है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप यहां से ट्राई कर सकते हो। और उसके साथ आपको एक और बहुत जबरदस्त फीचर मिलता है यहाँ पर, जो एनिमेशन है वो मिल जाएगा 2.0 वाला। यहाँ पर आप देखोगे ये साइड का जो यहाँ पर साइड बार है फ्लोटिंग विंडो वाला, इसके अंदर आपको काफी एक जबरदस्त एनिमेशन यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप YouTube में जाओगे या फिर मतलब और किसी एप्लीकेशन में जाओगे तो उसके अंदर ये पूरा एक जो बार है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर बहुत स्मूथ, बहुत जबरदस्त ट्रांजिशन के साथ एक एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसको आप अपने Redmi, Xiaomi और Poco के किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा टूल है जो कि HyperOS 2.0 वाला है, जिसके अंदर एनिमेशन काफी तगड़े मिल जाते हैं और फीचर्स भी काफी अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको भी आप ट्राई यहाँ से कर पाओगे।
और इसके साथ ही यहाँ पर HyperOS 2.0 का एक नया क्लॉक का अपडेट आया हुआ है। इस क्लॉक के अंदर आपको मेमोरी वाला फंक्शन मिलता है 3 टाइम मेमोरी का, जिसमें आपको वर्ल्ड क्लॉक मिल जाता है। इसका जो स्टाइल है वो 3D स्टाइल में है, मतलब ये एक 3D शेप का जो क्लॉक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आपको लोकल टाइम में फिर मतलब अदर कंट्री का वर्ल्ड जो टाइम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आइकन पे जाओगे तो इसके अंदर सारी कंट्रीज के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉप वॉच में जाओगे तो यहाँ पर 3 टाइम की जो मेमोरी है वो देखने को मिलती है। इस तरीके से आप जो है मतलब 3 टाइम की जो मेमोरी है उसको यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हो। उसके साथ ही टाइमर वाला फीचर मिलता है, जिसमें अपने हिसाब से जो है टाइमर लगाकर आप जो है इसकी जो वॉच है वो यहाँ से यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कीप स्क्रीन ऑन वाला भी फीचर मिल जाता है, जो कि भाई एक बढ़िया फीचर है। तो ये भी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको आप अपने रेडमी शाओमी और पोको के किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि ये फीचर हमें कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए हमें कौन कौन से APKs की जरूरत है। यहाँ पर MIUI यूज करने के लिए जो कोई यहाँ पर एक नया फीचर आया हुआ उसका लेटेस्ट वर्जन है शाओमी, यहाँ पर सुपर शाओ AI का फीचर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, जिससे आपको ये वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके सेटिंग सेक्शन में। तो ये वाली फाइल इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पर जो MI का AI रिकॉर्डर है उसके लिए यहाँ पर ये वाला APK है, जो कि मैं आपको सारे टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला APK जो है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद यहाँ पर ये शाओमी AI इसको भी इंस्टॉल यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गेम टर्बो वाले फीचर्स को यूज करने के लिए और ये वाला फीचर जो साइड का ये यहाँ पर जो साइड बार है इसके अंदर एनिमेशन यूज करने के लिए आपको ये वाला जो सिक्योरिटी APK है इसको आपको इंस्टॉल यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड क्लॉक को यूज करने के लिए ये वाला जो APK है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, ये वाला आपको यूज कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ और भी मैं APKs आपको ट्रांसफर कर दूंगा ट्राई करने के लिए, जिसमें आपको गैलरी वाला APK मिल जाता है। ये एक बहुत जबरदस्त APK है जिसके अंदर काफी सारे AI के टूल्स मिल जाते हैं। तो ये सारे APK मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, 1x1 सारे इंस्टॉल कर लो और ये HyperOS 2.0 वाले सारे फीचर्स आपको आपके डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं शूट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।